The new chapter we will discuss from the biology class 9, the chapter number 2, the fundamental units of life, that is the cell. The first article we will discuss, what is the living being made up of? Our earth is inhabited by different kinds of living organisms who took very different from each other. हमारे अर्थ पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो उसके जो टाइप्स है वो अलग अलग है और वो एक दूसरे से क्या है अलग है बिल्कुल डिफरेंट है फ्रॉम ईच अदर. दीज लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर आर्शिबैक्टीरिया, ट्यूब बैक्टीरिया, प्रोटेस्टा, प्रोटेस्टा में क्या आता है अमीबा, श्लेमडोनोमोनस, फंगाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स. ये कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं? आर्शिबैक्टीरिया होता है, ट्यूब बैक्टीरिया, प्रोटेस्टा, फंगाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स. The bodies of living organisms are made up of microscopic units called cells. ये जो bodies होती हैं living organisms की, ये microscopic units से बनी होती हैं जिनको हम cells बोलते हैं. The bodies of living organisms are made up of microscopic units called cells. ये cells से बनी होती हैं, made up of microscopic units से बनी होती हैं जिनको हम cell बोलते हैं. जो cell होते हैं उनका basic structural एंड फंक्शनल यूनिट होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, उनका अलग अलग स्ट्रक्चर होता है एंड दे हैव फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. प्रेजेंट डे सेल्स शेयर कॉमन फंडामेंटल प्रॉपर्टीज. फॉर इंस्टेंस, ऑल सेल्स एम्प्लॉय डीएनए एज देयर जनरेटिंग मटेरियल, आर सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड यूज सम बेसिक मैकेनिजम्स फॉर एनर्जी मेटाबॉलिज्म. फॉर इंस्टेंस, जितने भी सेल्स होते हैं, ऑल सेल्स एम्प्लॉय डीएनए, उनमें क्या होता है डीएनए होता है एज अ देयर जेनेटिक मटेरियल, उनको हम यूज करते हैं एज ए, उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं एज देयर जेनेटिक मटेरियल. और वो किसके सराउंड होते हैं? बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अराउंड सराउंडेड होते हैं एंड यूज द सम बेसिक मैकेनिज्म, और कुछ सब बेसिक मैकेनिज्म वो यूज करते हैं फॉर देयर एनर्जी मेटाबोलिज्म. कैसे उनको फूड मिलता है, कैसे स्टोर करते हैं हर चीज, उनकी एनर्जी कैसे ग्रो करती है, कैसे मेटाबॉलिज्म उनका स्ट्रोंग होता है, तो ये सब हम पढ़ेंगे. ऑन द अदर हैंड, प्रेजेंट डे सेल्स हैव इवॉल्व्ड अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट लाइफ साइज. प्रेजेंट डे जो सेल्स होते हैं उनमें क्या होता है, एवॉल्व ऑफ वैरायटी ऑफ डिफरेंट लाइफ साइज होते हैं. मैनी ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ईस्ट, इनका इनके बीच क्या होता है, सिर्फ सिंगल सेल होता है जिनको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें बैक्टीरिया होता है, जैसे बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, ईस्ट हो गया. ये क्या कंसिस्ट करते हैं? सिर्फ सिंगल सेल कंसिस्ट करते हैं जिनको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं. उसी तरह से जो कम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मोर कम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स, जिनमें एक से ज़्यादा सेल होते हैं, दे आर कंपोज ऑफ कलेक्शन ऑफ सेल्स दैट आर फंक्शन इन ए कोऑर्डिनेटेड मैनर. उनका जो फंक्शन होता है वो अलग अलग होता है, विद डिफरेंट सेल्स स्पेशलाइज टू परफॉर्म पर्टिकुलर टास्क. अलग अलग सेल्स होते हैं लेकिन वो अपने तरीके से अलग अलग टास्क जो है वो परफॉर्म करते हैं. हमने क्या पढ़ा है कि जो सेल्स होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ईस्ट, इनमें सिर्फ सिंगल सेल होता है, और जिनमें सिर्फ सिंगल सेल कंसिस्ट करता है उनको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. और जिनमें सिंगल सेल से ज़्यादा सेल हों और जो हर सेल है वो अलग अलग टास्क परफॉर्म करते हैं, अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं इन ए कोऑर्डिनेटेड मैनर, उनको हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. The human body, for example, it is composed of more than 200 different kind of cells. जो human body होती है उसमें 200 से ज़्यादा type के जो हैं cell होते हैं. Each specialized for such distinctive functions. हर cell जो है अलग अलग function perform करता है. कोई cell जो है memory के लिए function perform करता है, कोई साइट के लिए परफॉर्म करता है, कोई मूवमेंट के लिए परफॉर्म करता है, और कोई डाइजेशन के लिए परफॉर्म करता है. तो ह्यूमन बॉडी में क्या होते हैं, 200 डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स होते हैं, मोर देन 200 काइंड ऑफ सेल्स होते हैं, और सबका अलग अलग फंक्शन होता है.
कोई मेमोरी के लिए, कोई साइट के लिए, कोई मूवमेंट के लिए, कोई डाइजेशन के लिए। ऑल द सेल्स वेयर दे एग्जिस्ट वन सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, और वो सेल्स जिनमें सिर्फ एक सेल ही होता है, सिंगल सेल होता है, उसको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और जिनमें क्या होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं, मोर देन वन सेल होते हैं, और सबका अलग अलग फंक्शन परफॉर्म होता है, जैसे कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। द फंक्शंस आर इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द सेल। ये जो फंक्शंस हैं ये बहुत ज़रूरी है हमारे सर्वाइवल के लिए, सेल्स के सर्वाइवल के लिए। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो यूनिसेलुलर होता है वो सिंगल सेल परफॉर्म होता है, उसमें मल्टी सेलुलर में लार्ज नंबर ऑफ सेल्स होते हैं। जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है ऑर्गेनिज्म में, ये परफॉर्म्ड होती है सिंगल सेल से, एक ही सेल से सारी एक्टिविटी परफॉर्म होती है, और इसमें जो एक्टिविटी परफॉर्म होती है अलग अलग सेल से परफॉर्म होती है। अ सिंगल सेल परफॉर्म्स वन और फ्यू एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। देयर इज नो डिवीजन ऑफ लेबर एज अ सिंगल सेल परफॉर्म ऑल एक्टिविटीज। अगर यहाँ पे एक ही सेल सारी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है तो उसकी जो डिवीजन है फंक्शंस की वो डिवाइड नहीं होंगी। इसमें जो है डिवीजन हो सकती है क्योंकि इसमें मल्टीपल सेल्स होते हैं और सबका अलग अलग फंक्शन होता है। रिप्रोडक्शन कंज्यूम्स ए सिंगल सेल। ये इसमें जो रिप्रोडक्शन होती है वो सिंगल सेल द्वारा ही होती है। ओनली सम सेल्स ऑफ द बॉडी कैन कॉल्ड जर्म सेल्स टेक्स पार्ट इन रिप्रोडक्शन, अदर सेल्स रिमेन इंटैक्ट। लेकिन मल्टी सेलर में क्या होता है, कुछ सेल्स ही होते हैं जो रिप्रोडक्शन में पार्ट लेते हैं, जैसे कि जर्म सेल्स, और जो बाकी सेल्स होते हैं जैसे कि सोमैटिक सेल्स, उनमें कोई इफेक्ट नहीं होता। इसकी जो लाइफ स्पैन होती है वो शॉर्ट होती है, और इसकी जो लाइफ स्पैन होती है वो लॉन्ग होती है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड फंडामेंटल लेवल जो होता है ऑर्गेनिजम्स का इन द लिविंग वर्ल्ड, दैट इज सेलुलर लेवल। द सेल्स आर द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ लाइफ। जो सेल्स होते हैं वो हमारी बॉडी में अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उनका फंडामेंटल स्ट्रक्चर होता है, और जो होते हैं हमारे बेसिक यूनिट्स ऑफ, बेसिक यूनिट होता है हमारी लाइफ का। सेल बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सेल। सेल बायोलॉजी किसको बोलते हैं, जिसमें हम सेल की स्टडी करते हैं। डिस्कवरी ऑफ सेल्स। व्हाइल स्टडिंग ए थिन स्लाइस ऑफ कोक, जब हम एक वो एक थिन स्लाइस ऑफ कोक स्टडी कर रहा था, तो रॉबर्ट हुक सो द कोक रिसेम्बल्ड विद द स्ट्रक्चर ऑफ हनीकॉम कंसिस्ट ऑफ मैनी लिटिल कंपार्टमेंट्स। तो सेल की जो डिस्कवरी थी वो किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। और कैसे की थी, जब वो स्टडी कर रहा था एक थिन स्लाइस ऑफ कोक की, जब उसने थिन स्लाइस ऑफ कोक को रिसेम्बल्ड किया स्ट्रक्चर ऑफ हनीकॉम के साथ, तो उसको पता चला कि वो कंसिस्ट है बहुत लिटिल लिटिल बेसिक यूनिट से बना हुआ है। कोक इज ए सब्सटेंस विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बार्क ऑफ ए ट्री। कोक एक ऐसा सब्सटेंस है जो हमें एक ट्री से मिला है। ये ईयर है 1665 व्हेन हुक मेड दिस चांस डिस्कवरी थ्रू ए सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप। जब हुक ने एक चांस मिला डिस्कवरी करने का थ्रू ए सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप। रॉबर्ट हुक कॉल्ड दीज बॉक्सिस सेल्स। रॉबर्ट हुक ने उन बॉक्सिस को क्या बोला, सेल्स बोला। सेल को हम क्या बोलते हैं, लैटिन में लिटिल रूम बोलते हैं। रॉबर्ट हुक ने डिस्कवरी जो थी की थी सेल के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट थी। ये इंडिकेटेड करती थी फर्स्ट टाइम कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किससे बने होते हैं, स्मॉल यूनिट से बने होते हैं, वो रॉबर्ट हुक की स्टडी से पता चला था। द वर्ड सेल इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड सेलुला। जो वर्ड सेल है वो किससे डिराइव हुआ है, लैटिन वर्ड सेलुला से डिराइव हुआ है। उसका मीनिंग होता है लिटिल रूम। इंग्लिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था सेल को 1665 में, जब उसने एक थिन स्लाइस लिया कोक का अंडर ए प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप मेड बाय हिम। जो उसने माइक्रोस्कोप बनाया था खुद, उससे उसने उस कोक की स्टडी की, तो पता उससे पता चला कि जो सेल होते हैं वो स्मॉल यूनिट से बने होते हैं। हुक फाउंड दिस पोरस स्ट्रक्चर ऑफ कोक टू रिसेम्बल द मोनेस्ट्रीज एंड कॉल्ड द यूनिट सेल। हुक ने फाउंड किया कि जो पोरस स्ट्रक्चर होता है कोक का, उसने सैम्पल किया उसको मोनेस्ट्रीज के साथ, और उसने उसको बोला कॉल्ड यूनिट सेल। उसने एक बुक पब्लिश की माइक्रोग्राफिया।
उसके बाद however Hooke had only thickened walls of cells, not the substance contained with these walls. एक स्कॉटिश बॉटनिस्ट थे रॉबर्ट ब्राउन, उन्होंने डिस्कवर किया और कहा कि एक नेम द न्यूक्लियस इन प्लांट, कि प्लांट में क्या होता है, प्लांट सेल्स में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है. ये किसने स्टडी किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने. जो रॉबर्ट हुक है उन्होंने सेल के बारे में स्टडी डिस्कवर किया, जो रॉबर्ट ब्राउन है उन्होंने डिस्कवर किया कि प्लांट सेल्स में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है. और जे ई प्रिंकेज ने क्या डिस्कवर किया था, प्रोटोप्लाज्म, कि जो लिविंग फ्लूड सब्सटेंस होते हैं प्रेजेंट इन द साइड सेल, जो सेल के अंदर एक फ्लूड सब्सटेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं. ये डिस्कवर किया था जे ई प्रिंकेज ने. और जो हैकल है उन्होंने एस्टेब्लिश किया था कि जो न्यूक्लियस है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर स्टोरिंग एंड ट्रांसमिटिंग हेरिडेटरी करेक्टरिस्टिक्स. जो हैकल है उन्होंने डिस्कवर किया कि जो न्यूक्लियस होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है स्टोरिंग एंड ट्रांसमिटिंग हेरिडिटरी करेक्टरिस्टिक्स. सेल थ्योरी जो बनाई गई थी वो 1838 में बनाई गई थी बाय जैकोब मैथियस शेशलिडिन, अ जर्मन बॉटनिस्ट, जिन्होंने कहा कि जितने भी प्लांट्स होते हैं वो किससे बने होते हैं, सेल के बने होते हैं. ठीक है. और थियोडोर शवान ने जो डिस्कवर किया था कि जो वो सारे एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं वो सारे सेल्स से बने होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ सेल्स. इस सारी थ्योरी को जब हमने ज्वाइन किया तो उसको हम बोलते हैं सेल थ्योरी. रॉबर्ट ब्राउन ने स्टडी किया कि जो प्लांट सेल होते हैं उनमें न्यूक्लियस होता है. जे ई प्रिंकेज कहते हैं कि जो न्यूक्लियस, जो उसमें सेल में फ्लूड सब्सटेंस होता है उसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म. जो हैकल होता है उन्होंने कहा कि जो न्यूक्लियस होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर स्टोरिंग एंड ट्रांसमिटिंग हेरिडिटरी करेक्टरिस्टिक्स. जो शेलिडिन है उन्होंने सेल थ्योरी में ये डिस्कवर किया कि जितने भी प्लांट होते हैं वो सेल से बने होते हैं. फिर शवान है उन्होंने कहा कि जितने भी एनिमल्स एंड प्लांट्स हैं वो सारे सेल से बने होते हैं. इन सारी थ्योरीज को जब हमने ज्वाइन किया तो उसको हम बोलते हैं सेल थ्योरी. अब इस टॉपिक में आपको ये पता होना चाहिए कि किसने क्या डिस्कवर किया, क्योंकि ये MCQs में पूछा जाता है. द सेल थ्योरी वॉज डिफाइंड फर्दर इन 1855 में सेल थ्योरी को और आगे बढ़ाया गया बाय जर्मन बायोलॉजिस्ट वेशोक से जरिए. ठीक है. सेल थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट्स हैं, उसके पोस्टुलेट्स हमने पढ़ने हैं. तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल से बने होते हैं और सेल प्रोडक्ट से बने होते हैं. जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं वो सेल्स में होती हैं और टेक्स प्लेस इन सेल्स. इसलिए हम बोलते हैं कि सेल्स जो होते हैं वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होते हैं लाइफ का. जितने भी सेल्स होते हैं ये अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स ओनली. जो पहले से सेल होते हैं उसी से ही अराइज होते रहते हैं, डेड होते हैं उसी से ही बनते हैं. नो सेल ओरिजिनेट स्पॉन्टेनियसली, कोई भी सेल अलग से नहीं बनता. एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट्स इट्स लाइफ एज ए सिंगल सेल. जितने भी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट होते हैं वो सारे सिंगल सेल से अपनी लाइफ स्टार्ट करते हैं. वायरस आर एन एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी. जो वायरसेस हैं उनको हमने अलग रखा है सेल थ्योरी से. जो सेल थ्योरी की स्टडी होती है, जो सेल्स की स्टडी होती है वो होती है विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप क्या होता है, ये हाई रेजोल्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो ऑब्जर्व करते हैं वेरी मिनट ऑब्जेक्ट्स, स्मॉल यूनिट्स के बारे में जिसकी हम स्टडी करते हैं. टू कॉमन टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप होते हैं, एक लाइट माइक्रोस्कोप होता है और एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है. लाइट माइक्रोस्कोप क्या होता है, जो सिंपल स्टूडेंट्स माइक्रोस्कोप होता है जो स्कूल में यूज करते हैं उसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप बोलते हैं. इन दीज माइक्रोस्कोप्स हम अलग अलग सारे लेंसेज जो है उनको कंबाइन करते हैं और उनकी जो मैग्नीफिकेशन पावर रेंज होती है उसको हम सेट करते हैं 300 to 1500 टाइम्स. ये जो माइक्रोस्कोप्स होते हैं ये यूज़ होते हैं जनरली सनलाइट यूज़ करते हैं, लाइट जो सनलाइट की रोशनी यूज़ करते हैं टू इल्यूमिनेट द ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए. सो दीज कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स आर कॉल्ड लाइट माइक्रोस्कोप्स. उन माइक्रोस्कोप को हम क्या बोलते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप बोलते हैं. फिर आता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक लार्ज इंस्ट्रूमेंट होता है, ये यूज़ होता है, ये यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स फॉर मैग्निफिकेशन एंड इलेक्ट्रॉन्स फॉर इल्यूमिनेशन. ये यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, जो लाइट माइक्रोस्कोप के होते हैं वो यूज़ करते हैं लाइट फॉर देयर मैग्निफिकेशन फॉर द स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, और ये यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स फॉर द मैग्निफिकेशन एंड इलेक्ट्रॉन फॉर इल्यूमिनेशन. ये यूज़ करते हैं हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी. इट हेल्प्स इन ऑब्जर्विंग सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स एंड इट कैनॉट बी सीन थ्रू कंपाउंड माइक्रोस्कोप.
माइक्रोस्कोप, जो सब्सटेंस हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से स्टडी नहीं कर सकते उसके लिए हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। इमेज जो होती है इनकी, इस ऑब्जेक्ट की, वो हमें कहाँ से मिलती है? फोटोग्राफी फिल्म और स्क्रीन से। हम फोटोग्राफिक फिल्म और स्क्रीन पे इस इमेज को देख सकते हैं। इसकी जो मैग्निफिकेशन होती है वो 1 लाख टू 5 लाख होती है। अब हमने डिफरेंस पढ़ना है। लाइट माइक्रोस्कोप में हम ग्लास लेंस यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज करते हैं। इट यूज अ बीम ऑफ लाइट टू इल्यूमिनेट द ऑब्जेक्ट, इट इज़ अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंस्टेड ऑफ लाइट। ये लाइट की जगह इलेक्ट्रॉन्स यूज करते हैं। इंटरनल वैक्यूम इज नॉट रिक्वायर्ड, इसमें इंटरनल वैक्यूम जो होता है इसेंशियल होता है। इफ यू प्रिपेयर माउंट्स ऑफ ऑनियन पील्स विद डिफरेंट साइजेस, इफ यू प्रिपेयर टेम्परेरी माउंट्स ऑफ ऑनियन पील्स विद डिफरेंट साइजेस, वी विल ऑब्जर्व दैट ऑल हैव सिमिलर स्मॉल स्ट्रक्चर्स। जब ऑनियन का जो प्याज होता है उसका जो छिलका होता है उसको जब आप अलग अलग साइज में कट करोगे और जब आप उसको माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आप ये स्टडी करोगे उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो सिमिलर होता है। दीज स्ट्रक्चर्स लुक सिमिलर टू ईच अदर, ये जो स्ट्रक्चर होते हैं सिमिलर होते हैं, एंड टुगेदर दे फॉर्म ए बिग स्ट्रक्चर मेक अ ऑनियन बल्ब। जब हम सबको मिक्स कर देंगे, सारे ऑनियन पील्स को मिक्स कर देंगे तो ये एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको हम ऑनियन बल्ब बोलते हैं। दीज मोस्ट माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर वी यू सी इन ऑनियन पील आर द बेसिक बिल्डिंग यूनिट्स ऑफ ऑनियन बल्ब। ये जो स्मॉल माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होते हैं जैसे कि ऑनियन पील, तो ये होते क्या है बेसिकली, ये जब हम इनको कंबाइन करते हैं तो ये बेसिक बिल्डिंग यूनिट्स बन जाते हैं बल्ब के। इन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं सेल्स, दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड सेल्स। नॉट ओनली ऑनियन, जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हम हमारे आस पास है वो सारे सेल के बने होते हैं, दे आर ऑल मेड अप ऑफ सेल्स। अब हमने स्टडी करना है कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। प्रोटोप्लाज्म दे कंटेंट्स ऑफ लिविंग सेल्स कंटेंट विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो स्मॉल यूनिट्स होते हैं जो सराउंडेड होते हैं बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्म प्रोटोप्लाज्म। वो क्या बनाते हैं? प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं। ये डिफ्रेंशिएट होता है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म से, ये अलग होता है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म से। तो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? एक लिविंग सेल्स होता है, ठीक है, और उसमें क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है जो कि प्रोटोप्लाज्म बनाता है, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म अलग होता है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म से। जीन्स क्या होते हैं? इट इज डिस्टिंक्ट यूनिट ऑफ हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन। जब हमें हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो हम उसको जीन बोलते हैं। जीन इज इनहेरिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। जो जीन्स होते हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में होते हैं, एंड डिटरमाइंस दैट ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इससे हम जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पता कर सकते हैं। जीन्स हैव टू कैरी कोडेड इंफॉर्मेशन पेरेंट्स टू देयर चिल्ड्रन और प्रोजेनिटर्स। ये जो जीन्स होते हैं जैसे कि वन जनरेशन टू नेक्स्ट पेरेंट्स टू उनके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं, ठीक है, और ये इंफॉर्मेशन बताते हैं कि चिल्ड्रन रिमेन जी, वो जो चिल्ड्रन हैं वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह दिखते हैं, उनके हेयर्स कैसे हैं, उनकी आईब्रोज कैसी हैं, उनके स्किन कैसे, चिन कैसी है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं उनके पेरेंट्स से रिसेम्बल जो हम करते हैं वो जीन्स की इंफॉर्मेशन द्वारा ही होता है। जनरली जो जीन होते हैं दे आर मेड अप ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। जनरली जो जीन होते हैं वो किससे बने होते हैं? डीएनए मॉलिक्यूल से बने होते हैं, बट समटाइम्स उनमें आरएनए मॉलिक्यूल भी ऑब्जर्व हमने किया है। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसको हम पॉलीमेरिक न्यूक्लिक एसिड भी बोलते हैं। आरएनए क्या होता है? ये राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, इसको भी हम पॉलीमेरिक न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स अर्थ में प्रेजेंट हैं उनको दो टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। एक होते हैं नॉन सेलुलर, एक होते हैं सेलुलर। नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? जिनमें कोई सेल नहीं होता, दे डू नॉट कंटेन एनी सेल। जिनमें कोई सेल नहीं होता ऑर्गेनिजम्स में, उनको जैसे कि एग्जाम्पल बोल रहे हैं वायरस। वायरस लैक्स एनी मेम्ब्रेन, वायरस में कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती, इसलिए
उसके कोई करेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं लाइफ के वो शो नहीं होते अनटिल दे एंटर ए लिविंग बॉडी, जब वो तब तक नहीं शो होंगे जब तक वो किसी लिविंग बॉडी में एंटर ना हो जाए। दैट इज प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल होते हैं टू यूज इट्स सेल मशीनरी टू रिप्रोड्यूस। सेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, जिनमें एक या एक से ज़्यादा सेल होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, प्लांट्स एंड एनिमल्स। और नॉन सेलुलर होते हैं जिनमें कोई सेल नहीं होता, जैसे कि वायरस, क्योंकि उनमें मेम्ब्रेन नहीं होती तो उसमें वो जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं लाइफ के वो शो नहीं होते। अब जो सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको फर्दर डिवाइड किया गया है दो मेन टाइप्स में, फर्स्ट इज प्रोकैरियोटिक एंड अदर इज यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक वो होते हैं जैसे कि प्रिमिटिव एंड इनकम्प्लीट सेल्स होते हैं, ठीक है। दीज ऑर्गेनिजम्स हैव प्रिमिटिव एंड इनकम्प्लीट सेल होते हैं, दस दे कंटेन प्रोकैरियोटिक सेल्स इन देयर बॉडी स्ट्रक्चर। इनमें इनकी बॉडी स्ट्रक्चर में कौन से सेल होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं। दे हैव परफॉर्म ऑल थ्री बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ए टिपिकल सेल बट लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अराउंड देयर जेनेटिक सबस्टांसेस। प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव ऑल थ्री बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ए टिपिकल सेल, इनमें तीन बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं टिपिकल सेल में, पर इनमें क्या नहीं होती, इनमें लैक न्यूमरन मेम्ब्रेन नहीं होती अराउंड देयर जेनेटिक सब्सटेंस डीएनए। जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है प्रोकैरियोटिक सेल का उसमें सिर्फ सिंगल क्रोमोसोम होता है, एक ही क्रोमोसोम होता है जो कि साइटोप्लाज्म के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आता है। हेयर द अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन ऑफ ए साइटोप्लाज्म, जो अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन होता है साइटोप्लाज्म का, ठीक है, जो कि सिर्फ सिंगल सेल ही डायरेक्ट कॉन्टैक्ट आता है साइटोप्लाज्म में, जिसको न्यूक्लियर मटेरियल बोल रहे हैं। जो अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन होता है साइटोप्लाज्म का उसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड। देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसमें कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती इसलिए हम कह रहे हैं कि इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। इन ए प्रोकैरियोटिक सेल ईच अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स सच एज माइटोकॉन्ड्रिया आर आल्सो एब्सेंट। जो बाकी के ऑर्गेनल्स होते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी जो है एब्सेंट होते हैं, ये भी इसमें नहीं होते। जो राइबोसोम्स होते हैं दे आर प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक्स जैसे कि आर्शियोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, जिनको हम अर्लियर क्या कहते थे, ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते थे। प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, इनकम्प्लीट सेल्स होते हैं, इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक है। इनमें तीन बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं जो ये सेल के दौरान परफॉर्म करते हैं। जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है प्रोकैरियोटिक सेल का उसमें सिर्फ सिंगल क्रोमोसोम होता है जो साइटोप्लाज्म के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होता है। क्योंकि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती तो अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन की वजह से इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी एब्सेंट रहते हैं, राइबोसोम्स इसमें प्रेजेंट रहते हैं। जैसे कि जो प्रोकैरियोटिक्स होते हैं आर्शियोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, जिनको हम अर्लियर क्या बोलते थे, ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते थे। अब इसकी डायग्राम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसकी डायग्राम बहुत ध्यान से पढ़नी है। इस चैप्टर में डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें डायग्राम्स जो है आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। अब इसमें आप देख रहे हैं कि ये कि हमारे पास क्या है, टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल है। इसमें क्या है, देखिए इसमें कैप्सूल है, सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है। दिस इज साइटोप्लाज्म, दिस इज फ्लैगलम, दिस इज पिल, दिस इज आरएनए मॉलिक्यूल। ये जो है इसकी आरएनए मॉलिक्यूल है, ये सिंगल क्रोमोसोम है और जो राइबोसोम्स इसमें प्रेजेंट होते हैं वो अटैच्ड हैं इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। प्रॉब्लम वैसिल्स हैं, थाइकलोइड है, थाइलाकोइड है, मैसोसोम है इसमें, राइबोसोम्स जो ये प्रोटीन मॉलिक्यूल जो हैं प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये डायग्राम जो है आपने करनी है याद इसको। यूकैरियोटिक्स क्या होते हैं, ये कंप्लीट सेल्स होते हैं। इन सेल में एक मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होती है और अदर सेल ऑर्गेनिज होते हैं जिनको हम यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं। सच सेल्स ये यूनिसेलुलर में भी पाए जाते हैं और मल्टी सेलुलर में भी पाए जाते हैं, जैसे कि प्लांट्स एंड एनिमल्स। इनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होती है, न्यूक्लियस भी होता है, डीएनए भी होता है, साइटोप्लाज्म भी होता है, राइबोसोम्स भी होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी इसमें प्रेजेंट होता है। इसका डिफरेंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सेल का जो साइज होता है वो जनरली स्मॉल होता है, 1 to 10 millimeter होता है, और इसका जो होता है लार्ज होता है, 5 to 100 millimeter होता है। इसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो एब्सेंट होती है, इसलिए इसका जो न्यूक्लियस होता है वो एब्सेंट होता है, और इसमें जो होता है न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है।
इसमें सिर्फ एक ही क्रोमोसोम होता है, इसमें मोर देन वन क्रोमोसोम होते हैं। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, इसलिए ये न्यूक्लियस न्यूक्लियोलस जो है वो एब्सेंट रहता है, इसमें प्रेजेंट रहता है। जैसे कि इसमें मेम्ब्रेन्स जो सेल ऑर्गेनिक होते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया वो एब्सेंट होते हैं, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पेप्लास्टिड्स एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम गोल्गी अपैरेटस लाइसोसोम्स पेरोक्सीसोम्स ये सब क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं। इनमें जो सेल डिवीजन होती है वो बाय फ्यूजन और बडिंग होती है, इनमें जो सेल डिवीजन होती है बाय मेटोटिक और मियोटिक सेल डिवीजन के थ्रू होता है। तो ये डिफरेंस जो है आपने याद करना है। नेक्स्ट जो हमारे पास लास्ट टॉपिक है वो न्यूक्लियस और न्यूक्लियोइड क्या होता है। न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो लार्जर होता है और जो न्यूक्लियोइड होता है उसका साइज जो होता है स्मॉल होता है। इट हैज ए कवरिंग ऑफ डबल मेम्ब्रेन एनवेलप, इसकी जो कवरिंग होती है वो डबल मेम्ब्रेन से एनवेलप होती है, इसकी जो कवरिंग मेम्ब्रेन होती है वो एब्सेंट होती है। इसमें जो न्यूक्लियोलस होता है वो प्रेजेंट होता है, इसमें जो न्यूक्लियोलस होता है वो एब्सेंट होता है। इसके जो डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं वो इक्वल होते हैं, वो टू और सेवरल डीएनए मॉलिक्यूल्स के, इसका सिर्फ सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल ही होता है। इसके जो डीएनए होते हैं वो एसोसिएट होते हैं हिस्टोटिक प्रोटीन्स के साथ जो फॉर्म करते हैं क्रोमैटिन। इसके जो हिस्टोन्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं और जो डीएनए ऑफ न्यूक्लियोइड होते हैं वो बिल्कुल नहीं होते, नेगेटिव होते हैं।